हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चलती हुई ट्रेन को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी भारी भरकम ट्रेन का वजन कितना होता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वाकई में एक ट्रेन का वजन कितना होता है, एक लोकोमोटिव का वजन कितना होता है, और इसके साथ ही हम बताएंगे कि ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उनका वजन कितना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं वो लगभग 24 कोच वाली होती हैं, और अगर 24 कोच वाली एक पैसेंजर ट्रेन है जिसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हॉल कर रहा है, तो उसका वजन, उसका जो टेयर वेट है वो 1117 टन के आसपास होता है। वहीं अगर 24 कोच वाली ही पैसेंजर ट्रेन को एक डीजल लोकोमोटिव हॉल कर रहा है तो उसका जो टेयर वेट होता है वो करीब 1112 टन के आसपास होता है। अगर इसके बाद हम बात करें ग्रॉस वेट की, जैसे कि उसमें पैसेंजर्स अगर भरे हुए हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाली 24 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन है तो उसका जो ग्रॉस वेट होगा वो 1321 टन के आसपास होगा। वहीं अगर इसी ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव हॉल कर रहा है और उसमें भी पैसेंजर्स भरे हुए हैं, तो उसका ग्रॉस वेट 1316 टन के आसपास होता है। दोस्तों, यहाँ पर टेयर वेट का मतलब ये है कि जब ट्रेन खाली हो तब उसका वेट किया जाए, और ग्रॉस वेट का मतलब ये है जब ट्रेन पैसेंजर से भरी हो तब उसका वेट किया जाए। दोस्तों, ग्रॉस वेट में ट्रेन का वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पैसेंजर्स के उपस्थिति के हिसाब से। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनका वजन कितना होता है। दोस्तों, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जो आईसीएफ कोच वाली ट्रेनें होती हैं उनका जो उनकी जो व्हील होते हैं उनका वजन होता है 384 केजी से 394 केजी तक। इसके अलावा जो एलएचबी कोच वाली ट्रेन होती हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनका वजन होता है 326 केजी के आसपास। इसके अलावा बात करें हम ईएमयू ट्रेन की, तो उनके जो व्हील्स होते हैं उनका वजन करीब 423 केजी के आसपास होता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो ट्रेन के लोकोमोटिव होते हैं, चाहे डीजल हो या इलेक्ट्रिक, उनके व्हील्स का वजन कितना होता है। दोस्तों, सेल के मुताबिक जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उनके एक व्हील्स का वजन करीब 528 केजी का होता है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक इंजन यानी WAG9 के लोकोमोटिव के एक व्हील्स के वजन की, तो इनका वजन 554 केजी के आसपास होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम बता दें आपको, जो मीटर गेज वाली ट्रेन होती हैं उनके भी व्हील्स का वजन जो होता है वो 421 केजी का होता है। वैसे मीटर गेज में डीजल ही लोकोमोटिव होता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जो नैरो गेज की वाली ट्रेन होती हैं उनके इंजन का वजन करीब, उनके इंजन के जो एक पहिए होते हैं उनका वजन 144 केजी के आसपास होता है। तो दोस्तों, ये थे तो कुछ जानकारी ट्रेन के लोकोमोटिव के व्हील्स के, और जो पैसेंजर्स ट्रेन हैं उनके व्हील्स के बारे में, और इसके साथ ही एक ट्रेन का वजन कितना होता है जब वो खाली रहती है या उसमें पैसेंजर्स भरे रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए रेलवे से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं।